नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट में जब भी हम किसी स्वीट्स की शॉप पे जाते हैं तो हमें इसी तरह की नमकीन खस्ता मठरी देखने को मिलती है ना फ्रेंड्स। देखिएगा, पास से दिखाती हूँ मैं इसका पूरा टेक्सचर। और इसे हमने घर पे गेहूं के आटे से बनाया है। बहुत मजेदार रेसिपी है, इसे आप जरूर बनाकर रखिए। 2-3 महीने भी हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। और वैसे भी फेस्टिवल सीजन आने वाला है तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें हम पहले से भी बना के रख सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, घर के ही सामान से बनकर तैयार और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो रही है। न बेलने की झंझट है, न काटना, न कोई शेप देना, बस एक ही बर्तन में हम इसे पूरा बना सकते हैं। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए, टेस्ट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये खस्ता मठरी बनाने की रेसिपी कैसी लगी। तो बगैर देर किए जल्दी से इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। खस्ता मठरी बनाने के लिए 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। ये वही आटा है जिससे कि हम रोज रोटियां बनाते हैं। छान के लिया है। मठरी को अच्छा खस्ता बनाने के लिए 2 टेबल स्पून मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बारीक वाली सूजी है और मठरी का टेस्ट बिल्कुल बढ़िया नमकीन मार्केट की सेव जैसा भी आए तो उसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने बेसन भी लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच साबुत जो धनिया के बीज होते हैं वो डालेंगे, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच अजवाइन ली है। इसे हाथ में लगा के थोड़ा सा हम मसल के डाल देते हैं, इससे इसका टेस्ट और खुशबू दोनों बहुत अच्छी आती है। और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, इसे मैंने क्रश नहीं किया है, थोड़ा सा बड़े बड़े पत्ते हैं, दिखने में अच्छे लगेंगे। अब थोड़ा सा मसाला ऐड कर लेते हैं। 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चटपटा फ्लेवर आने के लिए 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच नमक, 2 पिंच हींग और 2 टेबल स्पून में इसमें ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे ये बहुत ही बढ़िया खस्ता बन के तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, जितने मसाले हमने डाले हैं आप कोई भी मसाले को स्किप नहीं कीजिएगा, सारे मसाले डालिए, तभी मार्केट में जो रेस्टोरेंट स्टाइल जो हमें खस्ता मठरी मिलती है ना, बड़ी बड़ी स्वीट्स की शॉप पे भी आपको मठरी मिलती है जो हम खरीद के लाते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही हमारी घर पे बन के तैयार हो जाएगी। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आटे के साथ हमने मोयन मसाला सबको बहुत अच्छे अच्छे 2-3 मिनट तक इस तरह से पूरा मिक्स करके और तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में बाटी वाला मोटा आटा हो तो आप उस पर फिर सूजी मत डालिएगा, क्योंकि वैसे ही फिर उसका दरदरा टेक्सचर आ जाएगा। सूजी हमने इसीलिए डाली है कि हमारा आटा बारीक रहता है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, इसलिए थोड़ी सी सूजी मिक्स कर ली। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और आप देखिएगा इस तरह से जब मैं मुट्ठी बांध रही हूँ तो ये इसमें मोयन हमें इस तरह से लग रहा है कि हम इसको जरा सा दबा लें तो फिर से खुल जा रहा है, तो मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे एकदम गाढ़ा, जो सख्त होता है ना आटा, बिल्कुल हार्ड वैसा वाला तैयार करेंगे। बिल्कुल कम पानी का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से इसे गूंथेंगे और आटे को भी हमें बहुत जोर से मुट्ठियों से नहीं गूंथना है, बस ऐसे ऐसे उसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इकट्ठा बस करना है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको इस तरह से हम इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से। देखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम सख्त हमने आटा गूंथ के तैयार किया है। मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ एकदम कैसा फटाफटा हमारा आटा बनके तैयार हुआ है। हमने बिल्कुल मुट्ठी से इसे नहीं गुथा है, इसी तरह से इसमें क्रेक्स आने चाहिए तभी हमारी मठरी बहुत परफेक्ट बनेगी। हमें न इसे बेलना है, न काटना है, न वेट करवाना है, बस हमने आटा तैयार किया और इसकी हम छोटी छोटी सी, बिल्कुल जैसे कि हम फुल्की के लिए लोई तैयार करते हैं ना, बिल्कुल छोटी सी ऐसे लेंगे, हल्का सा इसे गोल कर देंगे और तवा देंगे, बस इस तरह से ऐसे पूरे इसमें क्रेक्स होने चाहिए। पूरा दिखा देती हूँ आपको, तो साइज़ आप अपनी पसंद से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में बिल्कुल ऐसी ही मिलती है ना, तो मैं बिल्कुल छोटी ही कर रही हूँ। इसे हमें फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो बस छोटी सी लोई लेके उसको हल्का सा गोल करेंगे और हाथ से इसे दबा देंगे, बस। तो ये इस तरह से जो क्रेक्स बनेंगे ना, यही हमारी मठरी को बहुत खस्ता बनाएंगे। तो बस इसी तरह से सारे आटे से मैं तुरंत ही छोटी छोटी सी लोई लूँगी, उसे एक बार ऐसे गोल कर लूँगी और बस दबा दूंगी हाथ से। तो ये देखिए, तो बस इसी तरह से सारे आटे से मैं मठरी बना के तैयार कर लेती हूँ।
देखिएगा फ्रेंड्स, 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगा और हमारी सारी मठरी बनके तैयार हो गई। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। बस छोटी छोटी सी हमने लोई बनाई और हाथ से उसे हल्का सा प्रेस कर दिया, तो है ना बहुत ही आसान रेसिपी। न बेलना, न उसे काटना, न किसी तरह से ज़्यादा बर्तन भी हमारे खराब नहीं हुए। बस एक परात में ही हमने आटा गूंथा, इसी में हमने सारी तैयारी कर ली। गैस पर कढ़ाई में मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है, इसे फ्राई करने के लिए। ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है और गैस की फ्लेम को अब हमने बिल्कुल स्लो टू मीडियम पे कर दिया है, क्योंकि इसे धीमी आंच पर ही हम फ्राई करेंगे और इसमें हम ये सारी मठरी जो हमने बनाई है डाल देंगे। जितनी कढ़ाई में एक बार में आ जाएगी उतनी हम इसमें डाल देते हैं। जितनी मठरी हमने बनाई है उसमें से आधी के करीब हमारे ऑयल में आराम से आ गई और लो टू मीडियम पर हमारी गैस की फ्लेम है। अभी हम इसे बिल्कुल भी नहीं छुएंगे जब तक कि थोड़ी सी कड़क नहीं हो जाती है, और इतनी ही धीमी आंच पर ही हमें इसे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक भी बहुत बढ़िया क्रिस्पी कुरकुरे बनके तैयार हो। उलटते उलटते हुए हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ फ्रेंड्स, तभी आपको समझ में आएगा। देखिएगा इसके क्रेक्स, देखिएगा इसका कलर, देखिएगा इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी ये मठरी कितनी ज़्यादा खस्ता बन के तैयार हुई है। लेकिन हाँ, गैस की फ्लेम का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि उसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। लग रही है ना बहुत ही बढ़िया। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरी बेच की भी जो हमारी मठरी बची है उसे भी फ्राई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी सारी मठरी फ्राई हो गई है और आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा खस्ता और टेस्टी बनी है। और ऑयल भी आप देख सकते हैं कि बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इसमें ना हमने बेकिंग पाउडर डाला है ना ही बेकिंग सोडा, तो ऑयल भी बहुत कम लगा है और इतनी सारी मठरियाँ बनके तैयार हो गई है। मठरी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। देखिए मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसके आप क्रेक्स देखिए और वैसे ही समझ में आ रहा है कि हमारी मठरी कितनी ज़्यादा खस्ता बनके तैयार हुई है। लग रही ना बहुत अच्छी। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से मिलती है ना मार्केट में इसी तरह से। और ये बीच वाला हम जैसे इसको निकाल रहे हैं, इसको मसल रहे हैं, तो आप देखिएगा बिल्कुल ये घुल के तैयार हो रहा है। मुंह में जैसे ही हम डालेंगे थोड़ा सा दांत लगाएंगे और इस तरह से पूरी मठरी हमारे मुंह में बिखर जाएगी। तो फ्रेंड्स, फेस्टिवल आने वाले हैं तो आप भी इस तरह से खूब सारी खस्ता मठरी बनाइए, उसे एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखिए और अपने फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। इसे हम चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और बच्चे तो इसे नमकीन बिस्किट की तरह बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कम तेल में बहुत ही बढ़िया घर की बनी हमारी खस्ता मठरी तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि सारी रेसिपी की तरह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू।